हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम महिला पर्यवेक्षक के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना कब आरम्भ की गई थी? ऑप्शन दिए गए हैं 12 अप्रैल 2005 को, 12 अप्रैल 2008 को, 2 मई 2009 को या फिर 5 जून 2011 को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 अप्रैल 2005 को जो है जननी सुरक्षा योजना का आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से 2005 में कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन दिए गए हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन या फिर राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जननी सुरक्षा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का आरंभ कब किया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं 2013 2011 2005 या फिर 2008। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2013 में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की गई थी? ऑप्शन दिए गए हैं 1985 ईस्वी में, 1987, 1989 या फिर 1990। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1985 ईस्वी में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं 1980 में, 1982 में, 1985 में या फिर 1986 में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1985 ईस्वी में जो है सार्वभौमिक टीकाकरण का कार्यक्रम जो है प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसहारा बच्चों हेतु समन्वयित कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1957 में, 1975 में, 1985 ईस्वी में या फिर 1992 में। तो बेसहारा बच्चों हेतु समन्वयित कार्यक्रम का जो आरंभ किया गया था उसका वह किया गया था 1992 ईस्वी में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1992 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार एवं बाल कल्याण योजना कब चलाई गई? 1962 में, 1967 में, 1968 में या फिर 1972 में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्नीस सौ सड़सठ ईस्वी में परिवार एवं बाल कल्याण योजना चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वर्ष की उम्र वाले बालक के पोषण के लिए कितनी कैलोरी का आहार जो है मिलना चाहिए? 3000 से 3400, 3000 से 2800 कैलोरी या फिर 2800 से 2600 कैलोरी या फिर 2600 से 400 कैलोरी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3000 से 3400 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग जो होता है किस विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी है? विटामिन ए, विटामिन बी वन, विटामिन बी या फिर विटामिन बी12। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी वन की जो कमी से है बेरी बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है कौन सी बीमारी है? विटामिन बी से होने वाली रक्तहीनता, पेलाग्र या फिर रतौंधी या फिर मस्तिष्क रोग। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्तहीनता जो है विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक युवा पुरुष को प्रतिदिन कितने किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है? ऑप्शन दिए गए हैं 2000 से 2500,
2200 से 2800 कैलोरी, 1800 से 2200 कैलोरी, 1800 से 1600 कैलोरी। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा 2000 से 2500 कैलोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? 2023 में, और सॉरी 2003 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में, 2007 ईस्वी में, या फिर 2009 ईस्वी में? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? 2011 में, 2012 में, 2013 में, 2014 में? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2011 में जो है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है आरंभ किया गया 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33% बाल मृत्यु का आंतरिक कारण क्या माना जाता है? यहाँ पर कारण बताया गया है ऑप्शन में, 33% बाल मृत्यु का आंतरिक कारण क्या माना गया है? डायरिया, कुपोषण, हैजा, या फिर रक्तहीनता? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुपोषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक यौन शोषण के शिकार के लिए वर्ष 2016 में कौन सी स्कीम चलाई गई थी? प्रियदर्शनी, सुकन्या समृद्धि, उज्ज्वला, या फिर अस्मिता? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, उज्ज्वला योजना चलाई गई थी, उज्ज्वला स्कीम जो है चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2011 में, 2013 में, 2015 ईस्वी में, या फिर 2016 में? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल गुड्डा गुड्डी बोर्ड किस योजना के बारे में सूचना शिक्षा संचार सामग्री का प्रसार करने का कार्य करता है? ऑप्शन दिए गए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रियदर्शनी योजना, अस्मिता योजना। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 से 6 वर्ष के सभी बच्चों के विकास और लर्निंग आउटकम को बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना को प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं, राष्ट्रीय बाल नीति, एकीकृत बाल विकास सेवा, लैंगिक बजटिंग योजना, बाल पुरस्कार योजना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकीकृत बाल विकास सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरेक्टिव वॉयस रिस्पांस आधारित मोबाइल सेवा है जिससे सीधे गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों की माताओं और उनके परिवार के मोबाइल फोन पर गर्भावस्था और बाल स्वास्थ्य के बारे में टाइम सेंसिटिव ऑडियो संदेश दिया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, किलकारी, आशा, कायाकल्प, या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किलकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित कामगार कौन सी योजना कार्यान्वित की जा रही है? ऑप्शन दिए गए हैं, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण बीमा योजना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना,
यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षित मातृत्व एवं बच्चों के स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस योजना को 1997 में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन दिए गए हैं भाग्यश्री, बाल कल्याण पालिसी योजना, किशोरी शक्ति योजना, बालिका समृद्धि योजना या फिर प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को पुरस्कार देने के लिए निम्न में से कौन सी पहल है। ऑप्शन दिया गया है कायाकल्प, किलकारी, आशा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कायाकल्प, ऑप्शन नंबर ए कायाकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं के प्रारंभ किया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन अधूरा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बालिका समृद्धि योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई। ऑप्शन दिए गए हैं 1995, 1997, 1998 या फिर 1999। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1997 में जो है बालिका समृद्धि योजना प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असाधारण सूझबूझ वाले उत्कृष्ट बच्चों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किस योजना को 1997 में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन दिए गए हैं समन्वयित बाल विकास योजना, बेसहारा बच्चों हेतु समन्वयित कार्यक्रम, बाल पुरस्कार योजना या फिर दिशा योजना। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल पुरस्कार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ाई छोड़ देने वाली 11 से 18 वर्ष की आयु वर्ष की लड़कियों को आत्मनिर्भरता की ओर उन्मुख करने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी योजना 2000 में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन दिए गए हैं किशोरी शक्ति योजना, भाग्यश्री, बाल कल्याण पॉलिसी, बालिका समृद्धि योजना या फिर दिशा योजना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किशोरी शक्ति योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब की गई थी। 1985 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1985 ईस्वी में जो है महिला एवं बाल विकास की जो है स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 11 वर्ष से 18 वर्ष की किशोरियों के लिए राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला किस वर्ष प्रारंभ किया गया, 2016 ईस्वी में, 2015 में, 2014 में या फिर 2010 में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2010 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। तो ये था आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसके आगे का पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।